हाँ भाई यूट्यूबर, ऑल गुड। बहुत सुना था हमने कि एक दिन आएगा जब समझ में नहीं आएगा कि बनाऊं क्या, वीडियो क्या बनाऊं। आ गया। क्या हाल है ब्रो? तो कुछ दिन से मेरे जहन में आया हुआ है एक अजीब सा क्रिएटिव ब्लॉक, कंटेंट ब्लॉक। मतलब ये सीन नहीं है कि मुझे आइडियाज नहीं आ रहे कि मैं वीडियो क्या बनाऊँ, आइडियाज बहुत हैं, लेकिन मसला ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। इतने आइडियाज हैं, इतनी चीज़ें जहन में चल रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा वेयर शुड आई स्टार्ट, व्हाट शुड आई डू, वन ऑफ दोज सिचुएशंस। लिटरली मतलब थॉट्स कंट्रोल में नहीं आ रहे। कुछ लिखना शुरू करता हूँ तो बोलता हूँ कि यार ये नहीं, कुछ और करते हैं, फिर कुछ और आइडिया सोचने लग जाता हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता। फिर कुछ और लिखना शुरू कर देता हूँ और फिर करते 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 सब छोड़ छाड़ के बेड पे पड़ जाता हूँ। कहीं बाहर चले जाएं, थोड़ा मतलब बाहर निकलते हैं, फ्रेश एयर में निकलते हैं यार, चिल करके बाद में सोच लेना आराम से। नहीं, नोप, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे एक आइडिया फाइनलाइज करने के लिए इस कमरे से बाहर जाना पड़े, कभी भी नहीं हुआ और इस बार भी नहीं होगा। आइडिया तो एक बंद कमरे में ही आएगा आएगा आएगा। ऑन सेकेंड थॉट्स, शायद मुझे इस वक्त कुछ नया एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। जिस तरह इरफान और आमिर भाई के पॉडकास्ट में बात की गई थी कि जब इस तरह का ब्लॉक आता है तो कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, शायद आई नीड दैट। तो चलो ऑरेंज कुर्ता पहन के कहीं निकलते हैं। ऑरेंज ना यार, मतलब बाहर निकलेंगे तो थोड़ा मूड थोड़ा सा यू नो बेहतर होता है, ऑरेंज होता है तो। ब्लू में तो काम नहीं होगा, सॉरी। हाँ बस सही। एक नमूना उधर था तो वो खत्म हो गया, तो दूसरा नमूना यहाँ आ गया। तुमने मुझे नमूना कहा? मैंने तुम्हें नमूना कहा। बारी हम कहाँ जा रहे हैं अभी? ये नवीद भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप रैंडम अपने फैन से मिलना शुरू कर दें। चाय पीने के बाद कहीं भी चले जाओ, जाए सी व्यू पे, उस वॉल वाली जगह पे भुट्टे गर्म करवाएं और उस जगह पे बैठ के सनसेट का मजा लें। आप लोगों को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, बेसिकली मेरी एक दोस्त आई हुई आजकल, हमारी एक दोस्त आई हुई आजकल फ्रॉम इस्लामाबाद, आवर यूनिवर्सिटी फ्रेंड मानूर, एंड उसको बहुत शौक है कैमरे में आने का, है ना? बताती नहीं है लेकिन मानेगी कभी भी नहीं, बट शौक बहुत है। मानू को लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं? ये आपका काम था आज का दिन प्लान करना। ये मेरा काम कभी भी नहीं था। स्क्रिप्ट कौन लिखता है इसकी? मैं। तो आज का ब्लॉग किसको लिखना था? मुझे। ओ किधर है ये? किधर है? हाउ वुड आई नो। आ गई मानू बजिया। हेलो मानू भाजी, मैंने सबको बताया कि आपको कैमरे में आने का बहुत शौक था, क्या प्लान है मानू भाजी आज का? कुछ भी नहीं, आप बताएं। बारी भाई आप बता दें। मुझे ये बता दो जाना कहाँ है, लाइक किस तरफ? असल में हम लोग नॉर्मली यही करते हैं, हम लोग घंटों गाड़ी में ही फारिग होते हैं। वैसे ज्यादातर मेरी जिंदगी गाड़ी में ही गुजरती है, मैं अब सोच रहा हूँ। तो कुछ अरसे पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, हफ्सा अब्दुल्ला के साथ, एक जगह गया था एस्केपिस्तान, जिसकी मैंने इंस्टा स्टोरी बनाई थी। कुछ हुआ मेरे पीछे? शॉट बहुत अच्छा आएगा। तो अब मेरे साथ जो दो लोग हैं, मिस्टर दोस्तों के साथ, मैंने हम लोग ढूंढ रहे थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। किसी ने कुछ बोला कि चंकी मंकी चलते हैं, मैंने बोला चंकी मंकी नहीं जाना। भाई ने बोला कुछ खा लेते हैं, एज यूजुअल भाई ने बोला कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा भाई कितना खाओगे अभी, तुम दो बार लंच करके आए हो। तो फिर हमने कहा कि चलो, मैं जानता है इसको। खैर अब हमने सोचा कि हम एस्केपिस्तान ही चलते। वाह भाई, अगर तू नहीं निकल पाया फिर तो बहुत आदत है, बहुत जगहों पे फंसता हूं। एस्केपिस्तान एक नेक्स्ट लेवल एक्टिविटी, जिसके अंदर एक ग्रुप को एक कमरे के अंदर बंद करा जाता है और फिर आपने एक घंटे के अंदर अंदर रिडल्स और पजल्स वगैरह सॉल्व करके बाहर आना होता है। अनलाइक एनीथिंग एल्स दैट आई नॉर्मली डू इन कराची, शायद इस नए एक्सपीरियंस से दिमाग के आइडियाज का तवाजुन थोड़ा ठीक हो जाए। तो हम यहाँ पे भी एस्केपिस्तान है और यहाँ पे किसी रूम का कोई स्लॉट खाली नहीं है। क्या हुआ नवीर? कुछ पड़ गया कुछ चेहरे। ये यही होता है जब बंदा प्लान नहीं करता अपने।
तुम्हारा काम था ये। वो कह रही है देख सकते हैं कैसा नहीं देख सकते। अष्टम यहाँ पे आया था तो मेरी हम लोग हार गए थे तो शायद हमारी तस्वीर यहाँ पे ना हो। मेरी अब आ सकती थी बट बुकिंग नहीं है। बुकिंग नहीं। हाँ भाई अब क्या नया एक्सपीरियंस करें। मुझे लग रहा है एंड में जाके चाय पी लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तुमने स्लॉट बुक मेरा काम नहीं था भारी प्लान करना। स्क्रिप्ट कौन लिखता है व्लॉग की? मैं। व्लॉग कौन बना रहा है? मैं। तो फिर किसका काम होगा? मेरा। ओह वेल मैं रोज रोज कराची नहीं आती तो हम भी रोज रोज कराची नहीं आते एक ही बार आए थे। बट तू तो फनी कब से हुआ? कल परसों से बचपन से फनी है। इमेजिन करते हम पहली दफा कराची आए। ठीक है हम पहली बार कराची अभी आए। हमें किसी ने एयरपोर्ट से किसी घर ड्रॉप किया है उसने बोला ब्रो मैं सो रहा हूँ मेरी गाड़ी लेके चला गया। उसने कहा था डिफेंस है ये की गाड़ी थी। नहीं 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 ये गुलशन है। अर्शद ने बोला कि डिफेंस है डिफेंस में रहना। बाहर बात करो अर्शद कॉल करो अर्शद को। अर्शद तो सो रहा था। कहानी टेस्ट कर रहा है कहानी। ग्रीन विच यूनिवर्सिटी। बड़ी बड़ी रोड है यहाँ पे यार। हमारे हमारे न्यूयॉर्क में तो नहीं है। लाल कबूतर देखे? देख सकते हैं देख सकते हैं देख सकते हैं देख सकते हैं लाल कबूतर देख सकते हैं। न्यूप्लेक्स खोलूंगी मैं जाके उसका दरवाजा खोलूं। तो मैं कैसे पता कराची में न्यूप्लेक्स है? मतलब मुझे ये बता दो सिनेमा जाना है नहीं जाना बाकी मैं कर लूंगा। हाँ के ना लगता है मैं इस गाड़ी में अकेले हूँ। लगता है जवाब मिल गया सिनेमा नहीं जाना। हम लोग यहाँ खाली बैठने हैं मुझे लगता है क्योंकि ना तो उसका कुछ मूड ऑर्डर करने का। फ़ोन पे लगे ये मैडम जी भी फ़ोन पे लगी हुई है और मैं बैठा हूँ यहाँ पे। लेकिन यार नया कुछ नया करना था यार। व्हाट इज लाइफ। आई मिस योर वार्म किसेस ऑन द डे अप टू द स्काई। हेलो ब्रदर आई मिस यू ड्राइविंग मी अराउंड। व्हाई सो सैड? क्या नया करें क्या डांस करें क्या करें क्या करूं। लिसनिंग टू सम स्वीट म्यूजिक डोंट गेट द हैप्पी स्टफ। नहीं यार कुछ सुपर डुपर नई चीज करनी थी यार। मतलब सो आज हमें यहाँ पे स्लॉट नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम लोग अब कब आ रहे हैं? ट्यूसडे को यहाँ पे आ रहे हैं 9:30। सो कहीं जाए नहीं आप। मैंने कहाँ जाना है? तुमने कहाँ जाना है? तुम्हें जाना वापस लेकिन तुम नहीं जाना। कमरे के अंदर आप लॉक्ड हैं और निकलने का रास्ता आपने खुद मालूम करना है। ये है ना नया एक्सपीरियंस। आओ भाई लेट्स डू दिस क्योंकि भाई जिस तरह मैंने कहा था आइडिया तो एक बंद कमरे से ही आना है। स्टार्ट करो क्या करना है? लेकिन आज नहीं अगली बार। एंड ऑन दैट नोट तख्लिया।